महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच राहुल गांधी मंगलवार 5 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल रायबरेली आए, न कोई जनसभा की, न कोई सियासी बयान दिया और न ही उपचुनाव पर कोई बैठक की, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के लिए आए। रायबरेली को PMGSY योजना के तहत सड़कों की सौगात दी और चले गए। राहुल के इस नए सियासी स्वरूप से हर कोई हैरान है। दरअसल रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र आकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने यहां जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की अध्यक्षता की, जहां योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इसमें शामिल हुए, जो राहुल के ठीक बगल में ही बैठे थे। बैठक में BJP विधायक अदिति सिंह भी शामिल हुई। दिशा बैठक के बारे में बताएं तो इसमें क्षेत्र के सभी विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है और अध्यक्षता क्षेत्र के सांसद द्वारा की जाती है। तो इस वक्त राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, इसलिए उनकी अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। दरअसल राहुल गांधी जब अमेठी से सांसद थे तो उन पर लगातार ये आरोप लगे कि वो कभी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं आते। कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ा, लेकिन अब वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। जब से रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल की है, अपने संसदीय क्षेत्र का वो दौरा करते रहे हैं। राहुल इसके पहले रायबरेली एक युवक की हत्या होने पर पहुंचे थे, तो मंगलवार को सिर्फ दिशा की बैठक में हिस्सा लेने आ गए। इस दौरे पर उन्होंने उपचुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोई बैठक भी नहीं की। कहीं ना कहीं ये भी उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि देश में दो राज्यों महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी कई जगह जनसभाएं भी कर रहे हैं। वहीं वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच अचानक राहुल गांधी का UP आने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल ने अपने इस दौरे से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि वो जनता से जुड़े छोटे मोटे कार्यक्रमों में आने के लिए हमेशा तैयार हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।